वनग्राम मुरैंडा पहुंची प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम, आदिवासियों को वितरित किए कंबल कपड़े और राहत की सामग्री। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम गुरुवार को जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर मंडला जिले की सीमा से लगे कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के ग्राम मुरैंडा पहुंची, जहां इको विकास समिति के सहयोग से शिविर का आयोजन कर स्थानीय बैगा आदिवासी ग्रामीणों को राहत सामग्री और कंबल सहित अनेक जरूरत की सामग्रियों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नरेश सिंह यादव, उप संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व बफर जोन उपस्थित थे। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफी अंसारी, अभिनव सिंहमारे, पत्रकार हितेन चौहान, राहुल टेमरे, चित्रंजन नेरकर के द्वारा 105 नग कंबल, उतनी ही मात्रा में खाद्यान्न सामग्री जिसमें सोयाबीन तेल, मसाला, बिस्किट, नहाने व कपड़े धोने की साबुन का वितरण किया गया। साथ ही युवाओं को टी शर्ट एवं स्कूली बच्चों को 45 नग, स्कूली बैग सहित अन्य सामग्रियों का भी वितरण किया गया। फैक्ट्री वाला वितरण है, लेते जाए और सीधे जाते जाए। और ये हमारे स्टाफ को भी हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है कि इको विकास समिति के जो इसके बाद महाराज गुरुवे समारिन की अनुभूति हुई सर ऐसे कार्यक्रमों से, और क्या संदेश जाता है ऐसे कार्यक्रम से? इस कार्यक्रम से के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ये पुनीत काम किया गया है और जो मुझे सुखद अनुभूति हुई है उसको शब्दों के माध्यम से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और मुझे इस बात की अपार प्रसन्नता है कि तथागत जो संस्था फाउंडेशन है और इसके जो पदाधिकारीगण हैं वो प्रभु तथागत फाउंडेशन संस्था के जितने हमारे सम्माननीय पदाधिकारीगण हैं, श्री अंसारी जी हैं, श्री मेश्राम जी हैं और जितने भी हमारे सम्माननीय पत्रकार बंधु जो जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से जो ये काम खास करके जो हमारे दूरस्थ अंचल के जो ग्राम हैं उसमें हमने मुरैंडा का भी चयन किया है गढ़ी परिक्षेत्र के अंतर्गत जो कि हमारे बफर क्षेत्र में आता है। और इसमें हमने जो वाकई में समाज के ऐसे लोग हैं जो कि मूलभूत सुख सुविधाओं से वंचित हैं, ऐसे लोगों को इस संस्था के माध्यम से, और हमारे लिए ये बड़ा परम सौभाग्य का विषय है कि हमारी जो लोग हैं इस मंच के माध्यम से और इन लोगों से जुड़े हैं। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहूँगा इस संस्था के माध्यम से जो जैसे कंबल है, बाकी बच्चों के स्कूल के बच्चे हैं और भी जो ज़रूरतमंद की सामग्री है जो वितरण किया जा रहा है, इससे जो है हमारे जो बैगा समुदाय के लोग हैं और ये जो गांव हैं ये वास्तव में दूरस्थ अंचल का गांव है। और इस संस्था ने शुरू से ये निर्णय लिया है कि हम इस प्रकार के गांवों को लेंगे, और जब जब हमने जो है अनुरोध किया है तब तब उन्होंने कहा है कि आप हमें गांव के नाम बताइए, हम शहर जो है इस प्रकार के जो है काम करने को तैयार हैं। तो आज जो मुरैंडा ग्राम में जो कि बैगा बाहुल्य ग्राम है, इसमें इस संस्था के माध्यम से जो जरूरत की सामग्री है, कंबल है, बच्चों स्कूल के बच्चों के बैग हैं और भी जो आवश्यकता की सामग्री बांटी गई है, इससे हमें बड़ी परम सुखद और आनंद की अनुभूति हुई है। पूर्व सांसद कंकर मुजारी ने आज 21 जनवरी को अपने आवास पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से अवैध शराब के विरुद्ध जारी प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने हाल ही के दिनों में जिला कलेक्टर और आबकारी अधिकारी सहित पुलिस के द्वारा सावरगांव में अवैध शराब बनाने के ठिकानों को नष्ट किए जाने के बाद गरीबों के मकानों को ध्वस्त किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह प्रशासन की गुंडागर्दी है। राजेश पाठक जैसे शराब माफियाओं पर तो पुलिस के द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, लेकिन गरीब आदिवासियों को कच्ची शराब बनाने के नाम पर कार्यवाही करते हुए उनके मकानों को भी तहस नहस किया गया है। पूर्व सांसद ने कहा कि यदि कहीं पर अवैध शराब का निर्माण हो रहा है तो उस पर पुलिस प्रशासन जब्त करके कार्यवाही करे, ना कि गरीबों के मकानों को जमीन दोज करे। यह एक प्रकार की प्रशासनिक गुंडागर्दी है जिसका हम विरोध करते हैं। महुआ जो पकड़ा उस पर कम से कम 300-400 कुंटल महुआ को जो ये मीरकपुर से जो शराब जाती है कर्रा चौकी की तरफ में बोलगट्टा उनके गाँव के पास में एक शिव मंदिर है, और शिव मंदिर के पास में लेफ्ट साइड में 3 इमली के पेड़ हैं। वहाँ पे इन्होंने करीब 15 फीट गड्ढा खुदवा के 2 जेसीबी मशीन से और जो सूखा महुआ था 300-400 कुंटल, वो सूखा महुआ को वहाँ गड्ढे में डाला।
उसमें फिर एक वो कुएं से पानी लाकर डलवाया टैंकरों से, उसमें फिर करीब 400 लीटर मिट्टी के तेल डाला उसमें और नमक की 7-8 बोरी डाली सोसाइटी से ला करके, मिट्टी तेल भी लाया सोसाइटी से और नमक की बोरी भी लाई सोसाइटी से, उनको डलवा करके उसको दबा दिया और उनको सड़ाने के लिए रख दिया उसने। ये अधिकार नहीं है उनको सड़ाने का। गांजा पकड़ते हैं आपको, ड्रग्स पकड़ते हैं आपको, कोई चीज़ पकड़ते हैं, मतलब उनको कुछ सड़ाते हैं क्या? अगर जब्त किया तो आपको जब्ती रख के उनको थाने में रखना था, कोर्ट में प्रस्तुत करना था, कैसे सड़ा रहे आप, क्यों कर रहे आप? ये तो नियम विरुद्ध पूरी कार्रवाई। मिट्टी तेल डाल दी 400 लीटर, नमक की बोरियां डाल दी उसमें, वो पानी डाल दिया। मैं खुद गया वहां पर सूखे मुंह में गया, उसके मेरे पास वीडियो है, फोटोग्राफ है, वीडियो मेरे पास, मैंने खुद जाके देखा है और गांव वाले भी गवाह उस बात के हैं। ऐसी मनमानी कर रहे, झूठा मामला बना रहे, झूठा दिखा रहे कि हमने ये महुआ पकड़ा है, लान पकड़ा है, कहीं लान नहीं पकड़ रहे हो। और ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए पकड़ा झगड़ी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत भी, और ये आतंक बरपा रहे कि ये जो यहाँ का जो शराब माफिया है राजेश पाठक और उसका जो नौकर है रमेश दुबे, जिसके नाम से ठेका है, रमेश दुबे नौकर है राजेश पाठक का 15,000-10,000 के बीच का, उसको इतना बड़ा ठेका कैसे मिल गया? कहाँ से पैसे लाया? करोड़ों रुपए का ठेका कैसे ले लिया? पैसे कहाँ से लाया? तो नौकर के नाम पर ठेका लिया, इसका असली ठेकेदार जो है वो है राजेश पाठक, और उसको फायदा पहुंचाने के लिए कि एक आतंक बनाना है पूरे जिले भर में, तो जिसमें कि उसकी जो दारू है वो बिके। आदिवासी विकास परिषद के द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों को लेकर आदिवासियों को हो रही समस्या का अविलंब समाधान किए जाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में कार्यवाहक अध्यक्ष भुवन सिंह कोराम ने बताया कि आदिवासी समाज कई सालों से वन्य क्षेत्रों में निवास करता है, लेकिन उन्हें अभी तक वनाधिकार कानून के तहत पट्टे नहीं मिल पाए हैं, जिससे उन्हें अवैधानिक तरीके से वन्य क्षेत्रों से हटाया भी जा सकता है। इसीलिए उनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर दावे आपत्ति के कार्यों में तेजी लाने और ऑनलाइन प्रक्रिया से काम नहीं होने पर मैनुअल तरीके से भी उनके दावे स्वीकार किए जाने की मांग की गई है। जो वन अधिकार अधिनियम 2006-07-08 और संशोधन के बाद में 2012 आया, उसमें जो दावा आपत्ति होनी थी तो उसमें कहीं ना कहीं पोर्टल का सतत चालू ना रहने के कारण भी काफ़ी दावे रह गए थे, और जो दावे निरस्त हुए थे कुछ त्रुटिपूर्ण होने के कारण, उन सब के लिए क्या है, पंजीयन जो है वो पोर्टल से ही होता था, और पोर्टल लगातार बंद होने के कारण थोड़ी सी चिंता समाज की तरफ से हो रही थी, जिसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया और अपनी चिंता जताई, जिससे उन्होंने हमारे आयुक्त साहब जिनको आदिवासी विकास जो ये आयुक्त हैं उन्हें बुलाया गया और उनसे पूछा गया, तो उनसे ऐसी जानकारी लगी कि जो त्रुटिपूर्ण जो दावे थे उनको मैनुअल तरीके बिना ऑनलाइन के मैनुअल भी उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। उन्होंने मंगवाया है कि जो भी त्रुटिपूर्ण दावे बचे हुए हैं तो पूरे ज़िले से मंगवा लिया जाए, और जो नए दावे जो प्रस्तुत करना है उसके लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है, जिससे कि उनको अभी यानी कि वो पोर्टल चालू करने में थोड़ा समय लगा है।